हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप लोग आज फिर से देख रहे हैं हम लोग अपने साथ में ल्यूकॉम वाटर का 8 मिनट कॉन्सेप्ट। तो अभी तक आप लोगों ने जो बात करी है, हम लोगों ने सुपर एलिवेशन के बारे में सारी बात कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, देखिए जरा आगे के कॉन्सेप्ट में, दैट इज रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंड आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो गलत अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा हूँ फॉर द केस जब आपको कोई भी सुपर एलिवेशन रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड, तो आप इसमें क्या कंसिडर करोगे? आप कैम्बर को ही ई मिनिमम बोलते हो, और यहाँ पे आप जो वैल्यू कंसिडर करोगे ई मिनिमम की जगह कैम्बर ही कंसिडर करोगे, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी आपकी E इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर बाय 225 इनटू R के बराबर। तो यहाँ से जब R निकालोगे तो आप तो R का जो वैल्यू हो जाएगा इट इज कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाइड बाय कैम्बर के बराबर, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में है, मतलब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो जल्दी आइए और आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, तो मैंने बोला यहाँ पे आपको रूलिंग मिनिमम रेडियस के बारे में बात करूंगा और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक टर्म निकाल के बताऊंगा जिसको आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स में वो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे रूलिंग मिनिमम रेडियस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रूलिंग मिनिमम रेडियस के केस में जब आप नेशनल हाईवे की बात करते हो तो आपने यहाँ पे वेलोसिटी को कितना कंसिडर कर लेना है, 100। मैंने देखो आपने क्या किया है कि यहाँ पे आपने एफ मैक्स, ठीक है, एफ मैक्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आपने ई मैक्स और एफ मैक्स जब यहाँ पे पुट किया है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ से आपने क्या किया, ई मैक्स प्लस एफ मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इनटू आर था। तो यहाँ से आर रूलिंग लिखा, आर रूलिंग इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाइड बाय ई मैक्स प्लस एफ मैक्स, ठीक है। अगर यहां से देखोगे तो मैंने बोला एनएच की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे 100 पुट करोगे, वी की वैल्यू जैसे आप 100 पुट करोगे, तो आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाइड बाय ई मैक्स प्लस एफ मैक्स के बराबर। तो यहां से अगर आप बात करोगे तो जो आपका रूलिंग रेडियस आ रहा होगा, यहां से जो आपका रूलिंग रेडियस आ रहा होगा वो किसके बराबर आ रहा होगा, तो आपका जो रूलिंग रेडियस है दैट इज 357.90। तो आप इस वैल्यू को याद रख सकते हो, ठीक है, आप इस वैल्यू को याद रख सकते हो रूलिंग मिनिमम रेडियस फॉर नेशनल हाईवे अगर आपसे बात करी जाती। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूंगा एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस की, अगर मैं आपसे बात करूंगा, सो फॉर द केस ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस आर एब्सोल्यूट बोल रहे हो आप इसको, सिमिलरली दैट इज वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाइड बाय ई मैक्स प्लस एफ मैक्स के बराबर। मतलब ये मिनिमम वैल्यू आपको पता करनी है, इसलिए ये दोनों वैल्यू बड़ी होना चाहिए, ई की भी वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए और एफ की वैल्यू भी मैक्सिमम होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी ई की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए और एफ की वैल्यू भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आई। मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आपने वी की वेलोसिटी 80 kmph पुट करा, तो अगर आपने 80 kmph वेलोसिटी वैल्यू पुट करी है तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा रेडियस फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 229.06, ठीक है। तो जैसे आपको बोला मैंने, यहाँ पर रूलिंग मिनिमम रेडियस के लिए आप इसको कैलकुलेट कर याद रख सकते हो, वैसे अगर आपसे आर एब्सोल्यूट की वैल्यू है ये भी आप याद रख सकते हो फॉर द केस अगर आप जल्दी कैलकुलेशन को दिखाना चाहते हो, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आई। मैं अगर आपको ये बात समझ में आती है तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करने वाले हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने बोला सबसे पहले दो मेथड्स बताई जाती है सुपर एलिवेशन अटेन करने के लिए। पहला बोला यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्राउन मेथड, तो रिमूवल ऑफ क्राउन मेथड को नहीं देख रहा हूं मैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए रिमूवल ऑफ क्राउन मेथड, बट आप फिर भी आराम से बता सकते हो कि डायगोनल मेथड से आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, मैंने बोला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज रोटेशन ऑफ पेवमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोटेशन ऑफ पेवमेंट में वो आपसे ये पूछना चाहता है कि एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में आउटर एज को कितना ऊपर तक रेज किया है आपने, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि आपको इनर एज के रेस्पेक्ट में, सॉरी, वो ये पूछना चाहता है आपसे कि आपने कितना रेज किया है ओरिजिनल कंडीशन से, आपने आउटर एज को कितना रेज किया है, उसको आपने कैपिटल ई बोला। तो यहाँ पे अगर आपसे कैपिटल ई की बात करी जाएगी तो अगर आपसे मैं बोलूंगा कि सुपर एलिवेशन ई है और विड्थ डब्ल्यू है, तो आप कैपिटल ई इज इक्वल टू किसके बराबर बोल दोगे, ई मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू के बराबर। तो बस इस बात को याद रखना, इससे आपका क्वेश्चन बनते रहेगा, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन बनते रहेगा जब भी आपके पेवमेंट को इनर एज के अबाउट रोटेट किया है। मैंने बोला दो तरीके से आपके पेवमेंट को रोटेट किया जा सकता है, वन इज अबाउट द इनर एज, वन इज अबाउट द सेंटर, ठीक है। तो अगर सेंटर के अबाउट रोटेट करता है तो आपको पता है कि सेंटर लाइन कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर इनर एज के अबाउट रोटेट करेगा तो आपको पता है कि आपकी सेंटर लाइन चेंज होती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आए। तो मैंने बोला यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि ये कितना वैल्यू है, ई का कितना वैल्यू है, तो आप बोलोगे स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू के बराबर, ठीक है सर। मैंने अगर आपको ये बात समझ में आती है तो नेक्स्ट बता रहा हूं टेंजेंट रन आउट क्या होता है। तो टेंजेंट रन आउट वो लेंथ होता है, ध्यान से सुनो, इट इज द लेंथ ऑफ रोडवे, वो लेंथ ऑफ रोडवे है needed to change the outside slope from normal camber to zero. तो आउटसाइड स्लोप का कैम्बर नॉर्मल कैम्बर से आप कहां पहुंचा रहे हो,
तो नॉर्मल कैम्बर का मतलब है, ये देखो पहले आपकी जो रोड थी वो ऐसी थी, तो ये आपने नॉर्मल कैम्बर की बात करी, इसको आपने नॉर्मल कैम्बर बोला है। अब मैंने बोला टेंजेंट रनआउट की मैं बात कर रहा था आपसे, तो आप कितना आगे गए कि आपका ये जो वैल्यू है, ये जो आउटसाइड एज है, ये आप जीरो आ गया, आपका एंगल कितना हो गया जीरो। तो मैंने बोला यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा उसको आप क्या बोलते हो, टेंजेंट रनआउट बोलते हो, ठीक है। तो मैंने बोला लेंथ ऑफ रोडवे रिक्वायर्ड टू चेंज द एंगल फ्रॉम कैम्बर, नॉर्मल कैम्बर टू जीरो, इज कॉल्ड एज टेंजेंट रनआउट, ठीक है। सर टेंजेंट रनआउट का फॉर्मूला बताता हूं, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने आप लोगों के लिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट इज इक्वल टू सी इंटू डब्ल्यू इंटू एन डिवाइडेड बाय टू के बराबर, ठीक है सर। एन सी डब्ल्यू बाय टू याद रखते कुछ लोग, कुछ डब्ल्यू सी एन बाय टू याद रखते, कुछ सी डब्ल्यू एन बाय टू याद रखते, तो मेक श्योर जैसे भी आपको याद होता है आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैंने बोला देखो यहाँ पे सी कैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैंने यहाँ पे y किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अच्छा अभी y आपको मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है, आई वुड टेल यू लेटर। मैंने y कुछ नहीं था, मैंने बोला ये जो आपको डिराइव करवाया वो कहाँ से डिराइव करवाया, तो मैंने बोला वो y यहाँ से डिराइव करवाया आपसे, ये कैम्बर था और ये वैल्यू जो थी यहाँ से यहाँ तक ये w बाई टू थी और ये w बाई टू थी, ऐसे करके इसलिए वो वहाँ पे लिखा हुआ है। वाई यहाँ पे हाइट ऑफ कैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वाई यहाँ पे हाइट ऑफ कैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ ऑफ लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको सी पता चल गया, आपको डब्ल्यू पता चल गया, आपको एन पता करना था। मैंने मैं डायरेक्ट एन को जानता नहीं हूं, पर मैं एन को ऐसे जानता हूं कि इसमें से वन अपॉन एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो मैंने बोला यहाँ पे वन अपॉन एन जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट का, उसमें डायरेक्ट आपको एन दिया जाता है, लेकिन जनरली ये जो वैल्यू होती है ये वन अपॉन एन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के बराबर। तो यहाँ पे एन की कोई भी आपसे बात करेगा तो एन की वैल्यू को आप 150 कंसिडर करोगे फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, और एन की वैल्यू को 60 कंसिडर करोगे फॉर माउंटेनियस टेरेन। तो मेक श्योर इस बात को आप याद रखे, ठीक है। तो ये है आपके लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट की बात, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि आप में से बहुत सारे लोगों को लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट नहीं पता होगी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, और आज के लिए आपको यहां तक की बातें अगर आपको सारी समझ में आ रही है, और अभी तक सारी बातें समझ में आ रही है, तो गाइस कीप शेयरिंग दिस चैनल, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइब, लाइक आस्क ईच योर फ्रेंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस चैनल इज योर, सो इफ दिस चैनल इज योर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट ग्रो, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपके लिए और भी नए नए इनिशिएटिव्स लाते जाऊंगा मैं, और देखना हम लोग सिविल में इसको टॉप में पहुंचा देंगे। टिल देन बाय बाय, और बहुत सारा पढ़ाई करते रहो और फॉर्मूलाज याद करते रहो। सी यू लेटर, कल मिलते हैं आप लोगों से इसी बात के साथ।